शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एक्साइटिंग वीडियोस। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को सबसे बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि दोस्तों आप सभी ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया कि जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक चैनल स्टार्ट करूंगा जिसके 0 सब्सक्राइबर है और उसमें इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो दोस्तों बस ऐसे ही रिस्पांस देते रहिए, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। और दोस्तों सबसे पहले ये बताइए कि दोस्तों ये टी शर्ट कैसी लग रही है, क्योंकि दोस्तों इस टी शर्ट को मैंने स्पेशली इसी ब्लॉग को शूट करने के लिए परचेज किया था। और दोस्तों हम आपको बता दें कि दोस्तों आज हम जाने वाले हैं शिव बाबा धाम पर, जो कि आपका अकबरपुर में पड़ता है। तो दोस्तों फैजाबाद से अकबरपुर, और या फिर आप अगर अकबरपुर से फैजाबाद आ रहे हैं तो उसी के बीच में ये पड़ता है। मैं इसकी जो एड्रेस की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गूगल मैप की, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली हम शिव बाबा के धाम पे पहुंच चुके हैं। तो अभी यहाँ पे आप पीछे की सीन्स वगैरह देख सकते हैं, वो मेन गेट है शिव बाबा का। तो अभी आपको अंदर ले चल के वहाँ के दर्शन कराएंगे। और दोस्तों अभी यहाँ पे आप दुकान वगैरह बहुत काफ़ी कम लगी हुई है, क्योंकि आज का जो दिन है वो मंगलवार का है और यहाँ का जो मेन दिन होता है वो है सोमवार और शुक्रवार। तो आप जब भी यहाँ पर आइएगा सोमवार शुक्रवार को आएगा, यहाँ पर काफ़ी भक्तजन जितने भी आते हैं सब सोमवार शुक्रवार को ही आते हैं। लेकिन मंगलवार मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था, तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो वीडियो रिकॉर्ड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप जब भी आइएगा सोमवार शुक्रवार को ही आइएगा। तो अभी यहाँ की सीन वगैरह देख सकते हैं आप पीछे, ये यहाँ पे प्रसाद का स्टॉल वगैरह लगा हुआ है। और ये मेरे पीछे इस साइड में आप देख सकते हैं, ये जो है वो शिव बाबा का मेन धाम है और उस साइड में आपको प्रतिमा भी दिख जाएगी। तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। तू सब कुछ जाने है, हर गम पहचाने है, जो दिल की उलझन है सब तुझ पे रोशन है। घायल परवाना हूँ वहशी दीवाना हूँ, घायल परवाना हूँ वहशी दीवाना हूँ। तेरी शौरत सुन सुन के उम्मीदें लाया हूँ तेरे दर पे। तो दोस्तों अभी आप हमारे पीछे की सीन देख सकते हैं, तो आपको ये जो धाम दिखाई दे रहा है ये शिव बाबा का मेन धाम है। मतलब भक्तगढ़ जितने भी यहाँ पर आते हैं सबसे पहले इसी धाम पर आते हैं पूजा करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे आप चारों तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे कम से कम हजारों लाखों की संख्या में चुनरियाँ बंधी हुई हैं, देख सकते हैं सारी की सारी चुनरियाँ हैं। तो दोस्तों इसके पीछे रीज़न मैं बता देता हूँ, ये चुनरी बांधने का जो रीज़न है, तो यहाँ पे जितने भी भक्तगढ़ हैं उनका मानना है कि यहाँ पे चुनरी बांधने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो यहाँ पे जितने भी भक्तगण आते हैं अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और साथ में ये चुनरी वगैरह जो आप देख रहे हैं इसको यहाँ पे बांध के जाते हैं, उसका जब उनकी मन्नत वगैरह पूरी हो जाती है तो उसके बाद आते हैं उस चुनरी को ये खोल के चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे सीन वगैरह देख सकते हैं पीछे, और दोस्तों इसकी हिस्ट्री के बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं,
तो अभी हम यहाँ पे जो पंडित जी हैं तो उनसे बात करके आपको इसके बारे में थोड़ा सा और भी बताएंगे। आधी आधी रात मैंने खींचे हैं दम, उसे है निकले धुआं भोले बम बम। सावन का महीना मेरे यार सारे टुल, हाथों में भांग जेबे गांजे से फुल। महादेव के पुजारी, महादेव के पुजारी, कैसी दुनिया सारी महादेव के पुजारी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम जब किसी भी धार्मिक जगह का शूट करते हैं तो उसके जो पीछे की स्टोरी होती है कि मतलब उसकी स्थापना कैसे हुई और हर चीज़ें, उसको जरूर बात करते हैं उसके उस विषय पर। तो यहाँ के विषय पर दोस्तों हम इंटरनेट पर और भी लोगों से पता करने की कोशिश की लेकिन उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। तो यहाँ पर हमें पंडित जी से इसके बारे में पूछे जा रहे हैं। तो पंडित जी, इसके बारे में बताइए कि इसका इतिहास क्या है। ये मुख्य रूप से ब्रह्म स्थान है जी। ये शिवप्रसाद तिवारी नाम था इनका, इसलिए शिवा नाम से जाने जाते हैं। ये लगभग 1862 से 70 के आसपास में जी, ये गोरखपुर इलाहाबाद, गोरखपुर से इलाहाबाद के लिए जा रहे थे पंडित जी। इनके पास काफ़ी संख्या थी, उनके अनुयायी थे जी। और जेली चापा साथ में थे, कुछ हाथी घोड़े साथ में थे। यहाँ एक पोखरा है, पॉलिटेक्निक विद्यालय के पास में पोखरा था, वहीं आके रुके थे। अच्छा अच्छा। तो काफ़ी संख्या होने के नाते जो यहाँ के सामंत थे, राज घराने परिवार थे, उन्होंने आके पूछा कि यहाँ कैसे आप रुके हैं, जंगल है, बहुत बड़ा जंगल था। और लगभग 2 किलोमीटर के पास में राजा साहब का घर था, अच्छा किला था उनका, 2 किलोमीटर के पास में था। तो सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने आके पूछा, तो बताया कि हम ब्राह्मण हैं, कुंभ के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये पोखरा था, पीने का जल था, हाथी घोड़े थे जानों के लिए। ये पोखरा क्या है? पोखरा तालाब। अच्छा तालाब। तो उसके पास रुके थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब यहाँ रात में है और हमें संदिग्ध कुछ लग रहा है, हमारे निवास स्थान के पास में है तो हमारे सैनिक यहाँ रहेंगे, आप इनके दिशा निर्देश में रहेंगे, हम सुबह देखेंगे आप कौन है, कैसे जाएंगे, बगैर हमारे परमिशन से यहाँ कोई जाएगा नहीं, कहीं से कहीं बार नहीं निकले। बहरहाल सुबह राज साहब आए तो पोखरे में स्नान कर रहे थे पंडित जी। उन्होंने कहा कि हमने सुना कि राम तपस्वी या ब्राह्मण अपना कपड़ा हवा में सुखा लेते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? उन्होंने कहा हो सकता है, कोई काम अकार नहीं होता, हम कर देंगे लेकिन इसके बदले में कुछ आपको देना होगा। उन्होंने कहा ठीक है, जो होगा हम दे देंगे। उनकी धोती ये लगभग 500 एकड़ के आसपास में, अच्छा ये ग्राउंड लगा के आई, सूख गई। राजनाथपुरम वही तालाब से जल लेके जमीन संकल्प कर दिए। अच्छा। और उन्होंने कहा कि आप यहीं निवास करें, गोरखपुर के बजाय आप यहाँ निवास करें। उनका हम कुंभ से लौटेंगे तो देखेंगे, सोचेंगे। अपने बहार उन्होंने कहा नहीं, आप रुकिए, कुंभ से वापस आने के बाद वो अपने गाँव नदौली गए, नदौली गोरखपुर है, वहाँ से लौट के आए, कुछ लोगों के लेके आए थे, क्योंकि जंगल में कोई अकेला रह नहीं सकता। कुछ लोगों को ला के यहाँ बसाए, कुछ दिन रहे, कुछ समय बाद राजा साहब को ध्यान हो गया। अच्छा। तो उनके जो और लोग थे, चाहे वो पुत्र रहे हों और जो उनके मंत्री या सामंत जैसे जैसे थे, वो यहाँ उनके ऊपर लगान लगाना शुरू किए। जो लोग हैं वो या तो लगान दे या तो जमीन खाली करें, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेस होता है 500 एकड़ जमीन। उन्होंने कहा कि दान वाले दिए दिए चीज थे, टैक्स नहीं लगता। अच्छा। उन्होंने देने से मना कर दिया, तो ये लोग खाली कराना शुरू किया। पंडित जी ने कहा हम तो जाएंगे लेकिन जो और लोग हैं यहाँ उनके लिए व्यवस्था कर दीजिए, हम चले जाएंगे क्योंकि हम कहीं भी रह सकते हैं। बात मान्य नहीं हुए, लोग बाबा यहीं अनशन पे बैठ गए, यहाँ समाधि स्थल है, यहीं पर अनशन ले लिए। लेकिन किदंत के साथ बताया जाता है कि उन्होंने बैल वैल चलवाए थे, हल चले, उसमें जख्मी हो गए थे। अच्छा। और यहीं उनका देहांत हो गया। अच्छा। ये समाधि भी बन गई, ब्रह्म प्रकोप से राजा साहब का सर्वनाश हो गया, आज वहाँ कुछ है भी नहीं, जो परिवार था उनका घर था। जब लोगों का मानना है कि यहाँ पे लोग घरों में मतलब चौखट बाजू वगैरह नहीं लगाए जाते, इसके बाबा का श्राप था, इनके घरों में कुछ किसी घर में दरवाजा नहीं था, सिंगल पल्ले में दरवाजा, आज तो प्लाई का या लोहे का टनल भी पल्ले में लग रहा है, पहले था बांस टटरा। अच्छा। नहीं तो कुछ नहीं बचे, बना पड़ा लगा नहीं, चोरी भी नहीं हो रही थी।
अच्छा, तो आसपास के लोगों में जो कुछ पैदा होता था वो ला के सीधा अर्पण करते थे, फिर अपने लिए यूज करते थे। बाबा के यहाँ मतलब ये जो आपका पूरा धाम बना ये पब्लिक के पैसे से बना? पब्लिक, हाँ, यहाँ जो कुछ बना सब श्रद्धालु से। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता चला, पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे जो घरों में चौखट बाजी वगैरह नहीं लगाई जाती है, और ये दोस्तों ऐसा ग्राम है, यहाँ पे आ सका चोरी डकैती वगैरह भी नहीं होती है। यहाँ पे मतलब शिव बाबा का इसको मतलब आशीर्वाद यहाँ पे प्राप्त है लोगों को। सो गाइस, ये थी कुछ फोटोज जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की शिव बाबा धाम की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। आधी आधी रात मैंने खींचे हैं दम, से है निकले धुआं भोले बम बम। सावन का महीना मेरा यार, सारे टूल हाथों में भांग जेबे काजे।